ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਮਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੱਪੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिक। चुनाव कवरेज करते हुए हम आ पहुंचे हैं गुरदासपुर, जहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार सुनील जाखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त सिंह बाजवा। हम उनसे बात करेंगे कई मुद्दों पर। सर तृप्त सर, पहला सवाल आपसे ये है कि ये चुनाव जो है किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? एक तरफ जो है भाजपा ये कह रही है कि हम राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो है इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं? आप क्या समझते हैं बीजेपी राष्ट्रवाद है? हम राष्ट्रवाद के एंटी है। मोदी तो कल आया, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को पहले दो दफा काट दिया, दो हिस्से कर दिया। मोदी साहब उस वक्त कहाँ थे? हम कांग्रेस वाले कोई एंटी गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया है, ये यही है, यही प्रो इंडिया है, ये गलत है उनका प्रचार है। मोदी झूठ बोल रहा है, हर बात बात पे झूठ बोल रहा है। कभी कहता है मैं 30 साल भिक्षा मांग के रोटी गई, कभी कहता है मैं चाय बेच के रोटी गई। क्या सच है दोनों में, क्या सच है? जो ठीक जो मोदी का झूठ साबित हो चुका है, झूठ बोल रहा है, बात बार में झूठ बोल रहा है। अब कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा, अब राष्ट्रवाद की बात कर रही। हमारा हिंदुस्तान नहीं क्या? पाकिस्तान हमें हरा देगा ये मोदी से लग सकता है? मोदी के पीछे क्या दुनिया मर जाएगी? नहीं, ये गलत कावर पर झूठ बोल के वोट मांग रहा है। एक दफ़ा लोगों ने झूठ मान लिया, अब नहीं दूसरी दफ़ा नहीं झूठ मानेंगे। सर दूसरा सवाल ये होगा कि पंजाब में आप लोगों का कैंपेन चल रहा है, आप लोगों को कितने सीटों की उम्मीद है कि कितनी सीटों पर आप जो है जीत पाएंगे? हम 13 की 13 जीत पाएंगे, 14वीं चंडीगढ़ वाली। अच्छा, हाँ, क्या आपको संगरूर के लिए भी श्योर है? सबके लिए, बठिंडा फिरोजपुर सब श्योर है। सर जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आप लोगों ने गुरदासपुर के लिए जो है 25,000 जॉब्स की जो है वादा किया है, इसे चुनावी वादा क्यों ना समझा जाए? आज जो वादा जो इलेक्शन हो रही है वो मोदी के एजेंडे पे हो रही है। हम जो आप देंगे 22 में को जॉब्स बनी कि नहीं बनी, आज मोदी साहब ने जो 2 करोड़ की थी उसकी बात होनी है। आज मोदी के 5 साल पूरे हुए, आज मोदी ने जवाब देना, उन्होंने 5 साल में क्या किया? आप हम जवाब देंगे 22 में, आज मोदी की बात पूछिए, हम अपनी बात 22 में बताएंगे। नहीं सर, लेकिन फिर भी ये भी तो समझना जरूरी है ना कि एक जिले के लिए जब आप कह रहे हैं कि तो हम करेंगे जब नहीं, कोई अंकड़ा नहीं है। जाखड़ साहब ने वहाँ एक कारखाना लगाया, 5,000 पोस्ट वहाँ क्रिएट हुई है। अगर मोदी साहब हर वक्त पाकिस्तान से लड़ाई का माहौल रखेंगे तो पंजाब में कैसे इंडस्ट्री आएगी? पंजाब बॉर्डर स्टेट है और गुरदासपुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कैसे इंडस्ट्री यहाँ आएगी? कौन इन्वेस्ट करेगा आगे? हमारे रंधावा साहब कल आ रहे और कह रहे हैं मेरे से 1,000 एकड़ ले लो, कोई इंडस्ट्री आए कोई इधर बूर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ लड़ाई का माहौल बनाया मोदी साहब ने। सर आपने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन इंडस्ट्रील जो है बड़े तौर पर यहाँ पर मूव दोनों के ज़माने में किए हैं, अकाली दल के ज़माने में किए, उससे पहले सर आपके ज़माने में भी किया। इंडस्ट्रीज़ को कैसे आप यहाँ पे रोकेंगे? जब आप हर वक्त लड़ाई का माहौल बनाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर बंद है, जब आप लड़ाई का माहौल बनाएंगे कौन आप इन्वेस्ट करेगा पंजाब में आके? कौन 10,000 करोड़ लगाएगा, कौन 5,000 करोड़ लगेगा, कौन 1,000 करोड़ लगेगा, जब हर वक्त लड़ाई की बातें हो रही हैं? पहले माहौल बनना चाहिए, शांति का माहौल बनना चाहिए, फिर इंडस्ट्री लगेगी। अगर मोदी साहब लड़ाई 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 की बातें करते हैं तो कैसे इंडस्ट्री लगेगी? सर एक और जो चीज़ हम चुनाव कवरेज के दौरान अलग अलग जिलों में घूमे, अलग अलग गांवों में घूमे, एक बड़ी समस्या जो हमें लोगों ने बताई वो ये कि पंजाब में ड्रग पैडलिंग, ड्रग्स का मैनेस नहीं रुक रहा है। आप लोगों के पास अल्टरनेटिव विजन क्या है? हम खेलों को इनक्रेज कर रहे हैं, स्कूलों में लोगों को समझा रहे हैं, सोसाइटी पार्टिसिपेट कर रही है। अब जब जब पार्टी सोसाइटी की पार्टिसिपेट रहेगी इस मीनस को टैकल किया जा सकता है। अकेला गवर्नमेंट या कोई अकेली ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म नहीं कर सकती, ये सब पेरेंट्स भी सोसाइटी भी
गांव वाले भी सब लगेंगे तो ये खत्म होगी और कर रहेंगे। क्या पुलिस जो है क्रैकडाउन सही ढंग से कर रही है? पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, मगर आप तीन महीने से पुलिस इलेक्शन के मोड में लगी है, इलेक्शन की ड्यूटी में लगी है, तो इसलिए माहौल थोड़ा खराब हो रहा है।